पास बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं? बॉयफ्रेंड होता तो शायद हम यहाँ काम ना कर रहे हैं। या घर वाली चाय? घर वाली चाय, ये देखिए फिर नाम चेंज हो गया, मॉडल चाय वाली से घर वाली चाय। शादी का जो सीन है, अभी बहुत टाइम है शादी में, अभी पहले हम अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और हम प्यार में अंधे नहीं हो जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिल्कुल देख लेंगे। ऐसा ना कि अभी अभी मेरे सामने जो दिख रही है ये मॉडल चाय वाली है, और इनका जो नीचे एक लाइन लिखा गया था वो मुझे बहुत ही पसंद पड़ेगा। लिखा हुआ था कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। मतलब उल्टा कीजिए या सीधा कीजिए, दोनों एक समान है, और इनसे भी एक उल्टा सीधा सवाल भी करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले बताइए, गुप्ता जी, सिमरन गुप्ता जी हैं, आप लोग नाम सुनेंगे, बहुत खूबसूरत इनका नाम भी है और आज देश में फेमस भी हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मॉडल चाय वाली के नाम से। अच्छा, एक बताइए, जब मॉडल चाय वाली नाम रख रहे थे तो कुछ आपके दिमाग में ऐसा क्या रहा कि आप मॉडलिंग करते हैं और मॉडल के नाम से चाय बेचना भी शुरू कर देते हैं? ये काम एक ऐसा हाई फेम कह सकते हैं, ये प्रोफेशन है कि इसके बाद कोई इस तरह से कोई स्टेप नहीं लेना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये डेयरिंग काम है, तो मुझे डेयरिंग काम करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस बताइए, अगर चाय का दुकान भविष्य में कभी बंद करते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, इसमें बहुत मेहनत लगी है। अगर बंद नहीं करेंगे तो इससे तो लगता है कि आप ब्रांच भी खोलेंगे अलग अलग जगह? बिल्कुल खोलेंगे, समय लगेगा लेकिन वो भी होगा, जरूर होगा, जरूर करेंगे, टक्कर देंगे, प्रयास है आपका? हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, एक बात, नहीं देना है किसी को ये टक्कर, और ये जो भी काम है, तो है नहीं, अपने साथ है कंपटीशन, किसी के साथ नहीं है। मैं किसी के साथ कंपटीशन करना ही नहीं चाहती हूँ। कितने वैरायटी का चाय बनाती है? अभी मेरे पास सिर्फ एक ही तरह की चाय है, मसाले वाली चाय, जो बच्चों ने, यहाँ के बच्चे हैं, जो उन्होंने नाम दिया घर वाली चाय। घर वाली चाय, ये देखिए फिर नाम चेंज हो गया, मॉडल चाय वाली से घर वाली चाय। नहीं नहीं नहीं, चाय का नाम मेरा, ये तो मेरा नाम है ना, मेरे दुकान का नाम है ना, चाय का नाम है घर वाली चाय। चाय का लोग बच्चे कहते हैं कि आप दीदी एकदम घर जैसी चाय बनाते हो, वही तो घर वाली चाय हो गया। अच्छा, घर वाली चाय हो गया तो एक और मेरा सवाल बनता है, अब बताइए कि आप कब शादी करने वाले हैं, आपका क्या सोच है, ये सब चीजें थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे। नहीं देखिए, शादी का जो सीन है, अभी बहुत टाइम है शादी में, अभी पहले हम अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और हर लड़की हो चाहे लड़का, पहले अपना करियर बना ले, फिर शादी तो हो ही जाएगी, और जिससे होनी है वो तो होगी होगी। कोई नहीं तय है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। आप बोल रहे हैं कि जिससे होने वाला है, देखिए अब जोड़ा तो ऊपर वाला बना देता है, ठीक है, जिससे होनी होगी, वरना ऐसे तो नहीं। एक और सवाल है बनता, अपने माता पिता के, अपने माता पिता के कहना अनुसार कीजिएगा या अपने मर्जी से? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप लोग ही बताइएगा। बिल्कुल, मम्मी पापा के ही मर्जी से करेंगे, बिना उनकी मर्जी से अभी तक कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो आज के जो लड़के लड़कियां आप वीडियो देख रहे हैं, हम कहना नहीं चाहते, नाम रखना भी नहीं चाहते, जो कर रहे हैं 18-19 वर्ष की उम्र में, इधर उधर बहुत सारे लोग अब तक मृत्यु हो गया, क्या उन सब चीजों को कुछ संदेश देना चाहिएगा? देखिए, घटना किसी के साथ भी कुछ भी घट सकता है, कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है, और नहीं होने को भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग आज भी बहुत सब साथ में हैं, पढ़ाई करते हैं, बचपन से रहते हैं साथ में, शादी भी हो जाती है, परिवार भी हो जाता है, और बहुत सारे करने के बावजूद भी डिवोर्स हो जाता है। तो हर तरह की सिचुएशन है, ऐसा नहीं कह सकते कि अरेंज में डिवोर्स नहीं होता है और लव में डिवोर्स होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हो, कैसे लोग हैं, कैसे नहीं है, तो सोच समझ के काम करना चाहिए, एकदम प्यार में अंधे नहीं हो जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिल्कुल देखेंगे। ऐसा ना कि अभी अंधे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाद। नहीं नहीं, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है, अभी तो नहीं है, अभी मैंने कहा कि काम पे ज्यादा फोकस है, अभी तो नहीं है। नहीं तो ऐसा होता है, थोड़ा सा कड़वा सवाल है, पूछे। हाँ, पूछ दे। हाँ। ये सोच नहीं ना कीजिएगा, पहले बता दीजिए। किस पे? हम पे। अरे नहीं, सवाल पे। नहीं, नहीं। तो आज के जो समय लड़कियां कर रही है, तो हो सकता है सबके पास बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड हो रहा है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं? बॉयफ्रेंड होता तो शायद हम यहाँ काम ना कर रहे होते। चलिए, कर दिया है, सीरियस नहीं लीजिएगा। बाकी मेरा प्रयास इनके साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं दिलीप कुशवाहा, मॉडल चावली के साथ, जय हिंद।